हेलो दोस्तों, ट्रेन में आप सभी ने सफर तो किया ही होगा, पर आज मैं आपको कुछ ऐसे रेलवे रूट्स के बारे में बताने जा रही हूँ जो अपने बनावट के कारण चर्चा में रहते हैं, क्योंकि इनमें से कोई एयरपोर्ट के रनवे पर से गुजरता है तो कोई भरे बाजार के बीच से। और इसीलिए लोग इन्हें दूर दूर से देखने आते हैं। तो चलिए जानते हैं उन अनोखे रेलवे रूट्स के बारे में। कुरांडा सीनिक रेलवे, कैरेंस, ऑस्ट्रेलिया। ये रेलवे लाइन कैरेंस से कुरांडा के बीच है। इसका इस्तेमाल टूरिज्म और फ्रीट सर्विसेज के लिए किया जाता है। इस ट्रैक की लंबाई 37 किलोमीटर है और इसे एक तरफ का सफर 1 आवर 55 मिनट्स में तय किया जा सकता है। न्यूजीलैंड का नेपियर गिस्बॉन रेलवे लाइन। आइए जानते हैं कि किस वजह से इस लिस्ट में शामिल हुआ है। नेपियर से गिस्बॉन के बीच ये रेलवे लाइन अपने आप ही अनोखी है, क्योंकि ये गिस्बॉन के एयरपोर्ट के रनवे के ऊपर से होकर गुजरती है और एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम की अनुमति के बाद ही ट्रेन यहाँ से गुजर सकती है। आप इस रनवे पर से ट्रेन गुजरती देख सकती हैं। मेकलॉन्ग रेलवे मार्केट। क्या आपने कभी भरे बाजार के बीच से ट्रेन गुजरती देखी है? नहीं ना? चलिए हम आपको लेके चलते हैं थाईलैंड के मेकलॉन्ग रेलवे मार्केट में, जहाँ कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है। इस रेलवे लाइन को देखकर आप जरूर चौंक जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही व्यस्त और भीड़भाड़ वाले बाजार के बीचों बीच से होकर गुजरता है। लोग पटरी के साइड में दुकान लगाकर अपना सामान बेचते हैं और जैसे ही ट्रेन आती है ये अपना सामान समेट लेते हैं और ट्रेन के जाते ही फिर से अपनी दुकान लगा लेते हैं। यहाँ पर ज्यादातर दुकानदार सब्जी, अंडे और मछली बेचते हैं। ट्रेन डे लास न्यूब्स अर्जेंटीना। अगर आप अर्जेंटीना में हैं या आप किसी और देश में रहते हैं और कहीं फॉरेन घूमने के बारे में सोच रहे हैं, तो एक बार अर्जेंटीना के बारे में जरूर सोचिएगा। इस ट्रेन से सफर करने टूरिस्ट बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं। ट्रेन डे लास न्यूब्स अर्जेंटीना के साल्टा प्रोविंस में एक टूरिस्ट ट्रेन सर्विस है। ये विश्व की 5वीं सबसे ऊंची ट्रेन सर्विस है। जिस ब्रिज पर से ये ट्रेन होकर गुजरती है वो सी लेवल से 13,850 फीट की ऊंचाई पर है। इस रेलवे लाइन पर 29 ब्रिजेस, 21 टनल, 13 विडाकुट्स, 13 बाइडक्स, 2 स्पाइरल और 2 जिगजैग हैं। ट्रांस-साइबेरियन रेलवे। क्या आप दुनिया की सबसे लंबी रेलवे रूट के बारे में जानते हैं? नहीं? आइए जानते हैं कि ये कहां पर है। ये रेलवे नेटवर्क मॉस्को और रशियन फार ईस्ट को जोड़ता है। इसकी लंबाई 9,289 किलोमीटर है और ये दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। साथ ही ये मंगोलिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया को भी जोड़ती है। इसका निर्माण 1891 से 1916 के बीच हुआ था। जॉर्जटाउन लूप रेल रोड, कोलोराडो। कोलोराडो का जॉर्जटाउन लूप रेल रोड अपनी सुंदरता के कारण हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। जॉर्जटाउन लूप रेल रोड यूएस के कोलोराडो स्टेट के क्लियर क्रीक कंट्री के रॉकी माउंटेन्स पे स्थित है। ईयर 1884 में ये बनकर तैयार हो गया था। ये ट्रैक जॉर्जटाउन और सिल्वर प्यूम की पहाड़ियों से होकर गुजरता है। कोलोराडो और साउथ रेलवे की इस लाइन का इस्तेमाल 1899 से 1938 के दौरान
पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी के लिए किया जाता था। 1939 में इसे बंद कर दिया गया था, पर 1984 में इसके 100 इयर्स कंप्लीट होने पर इसे दोबारा स्टार्ट कर दिया गया। बर्मा रेलवे, द डेथ रेलवे। इन अट्रैक्टिव रेलवे रूट्स के बीच एक ऐसा रेलवे रूट भी है जिसे डेथ रेलवे के नाम से भी जाना जाता है। ये रेलवे लाइन बैंकॉक थाईलैंड से थानब्यूजायत बर्मा के बीच है और इसकी लंबाई 415 किलोमीटर है। बर्मा रेलवे को डेथ रेलवे के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसे बनाते समय लगभग 1,00,000 वर्कर्स की कवाई नदी में गिरने से मौत हो गई थी। इस रेलवे लाइन को 1947 में बंद कर दिया गया था, पर 10 इयर्स के बाद 1957 में इसे फिर से शुरू कर दिया गया। चेन्नई रामेश्वरम रूट इंडिया। भारत में भी एक ऐसा रेलवे ट्रैक है जो समुद्र के ऊपर से होकर गुजरता है। जब ट्रेन इस ब्रिज के ऊपर से गुजरती है तो लोगों की सांसें थम सी जाती है। बैम्बैन ब्रिज के नाम से जाने जाने वाला ये ब्रिज तमिलनाडु के बैम्बैन आइलैंड पर बेस रामेश्वरम को मेनलैंड से जोड़ता है। 2 किलोमीटर लंबे इस पुल का निर्माण अगस्त 1911 में शुरू हुआ था और 24 फरवरी 1914 को ये बनकर तैयार हो गया था। ये भारत का दूसरा सबसे लंबा पुल है। 23 दिसंबर 1964 को ये भयंकर तूफान की वजह से बैम्बैन धनुषकोडी पैसेंजर ट्रेन पलट गई थी जिसमें लगभग 150 लोग मारे गए थे। गोटेक्ट वाइडक्ट। म्यांमार के गोटेक्ट वाइडक्ट अपने आप में अनोखा है क्योंकि जब इनका कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ था तब ये दुनिया का सबसे लंबा रेलवे ट्रेस्टल था। गोटेक वाइडक्ट म्यांमार के नबनिको में स्थित एक ब्रिज है। ये पाइन उल्विन हिल स्टेशन के टू टाउन्स को जोड़ता है। ये म्यांमार का सबसे ऊंचा ब्रिज है। इसका कंस्ट्रक्शन पेंसिल्वेनिया और मैरीलैंड ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा 1899 में स्टार्ट हुआ था और 1900 में कंप्लीट हुआ था। इस ब्रिज की लंबाई 689 मीटर्स है जो 15 टावरों पर टिका है। डेविल्स नो स्ट्रेन इक्वेटर। इक्वेटर में चलने वाली डेविल्स नो स्ट्रेन अपने ज़िगज़ैग रूट के कारण चर्चा में रहती है। ये ट्रेन इक्वेटर की एंडस माउंटेन्स पर चलती है जो सी लेवल से 9,000 फीट की ऊंचाई पर है। इसीलिए इसे हम दुनिया की स्कैरियस्ट राइड्स में से एक कह सकते हैं। एडवेंचर पसंद करने वाले लोग यहां आकर एक अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये स्पेशल वीडियो यहीं समाप्त होता है। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले। मिलेंगे अगली बार किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।